पंजाब पुलिस ने शनिवार को दावा किया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नागल अंबिया की हत्या के मामले को सुलझा लिया है। संदीप की हत्या 14 मार्च को जालंधर के मालियन गांव में कबड्डी मैच के दौरान 5 अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर कर दी थी। पुलिस के मुताबिक पेशेवर प्रतिद्वंदिता के कारण कनाडा में बसे स्नोवर ढिल्लों की साजिश पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। पंजाब पुलिस ने ढिल्लों सहित करीब दर्जन भर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इसमें 5 शूटर और उन्हें पनाह देने वाला एक व्यक्ति भी शामिल है। पुलिस ने 4 ऐसे लोगों को भी पकड़ा जो इससे पहले पंजाब या फिर पड़ोसी राज्यों की जेल में बंद रह चुके थे। पुलिस ने बताया कि शूटर्स को कनाडा में बैठे ढिल्लों के दिशा निर्देशों पर बुलाया गया था। पंजाब पुलिस महानिदेशक वीके भावरा ने कहा कि पुलिस को ढिल्लों की कथित संलिप्तता की जानकारी फतेह सिंह से पूछताछ के दौरान मिली कि स्नोवर ढिल्लों ने कई खिलाड़ियों को द नेशनल कबड्डी फेडरेशन ऑफ ओंटारियो से जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश की थी, लेकिन ज्यादातर मशहूर खिलाड़ी संदीप के प्रबंधन वाली मेजर लीग कबड्डी से जुड़े हुए, जिससे ढिल्लों का महासंघ असफल रहा। जालंधर पुलिस ग्रामीण SSP सतेंद्र सिंह ने पत्रकारों से कहा, फतेह ने स्वीकार किया है कि स्नोवर ढिल्लों के निर्देश पर उन्होंने अमित दागर, कौशल चौधरी, जगजीत सिंह, लक्की पटियाल और सुखा डिनेके के साथ मिलकर संदीप की हत्या के लिए हमलावरों का इंतजाम किया था।